खबर सिटी कोतवाली अंतर्गत सीमा में आने वाले सिंह निवास के फ्लाईओवर ब्रिज के समीप एक घर के सामने विस्फोटक मिला है। घर के मालिक की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने विस्फोटक सामग्री रखे क्षेत्र को सील कर दिया है। ग्वालियर से विस्फोटक स्क्वाड रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है जिस घर के सामने ये विस्फोटक सामग्री रखी मिली है, आज उस घर में एक कार्यक्रम था। जानकारी के अनुसार सिंह निवास के पास से निकला 4 लेन बाईपास के ओवर ब्रिज के ग्वालियर की ओर जाने वाली सर्विस रोड के समीप सिरनाम सिंह राजावत का घर है। घर के सामने बजरी का ढेर पड़ा हुआ है। सिरनाम सिंह के छोटे बेटे ने बताया कि आज सुबह वह प्रतिदिन की तरह बेलपत्री लेने गया था, तभी उसे जमीन में तार दिखे। उसने अपने घर में पूछा कि ये तार किसने बिछाया है। उसने तार को घड़ी करना शुरू किया तो वह तार उसके घर के सामने पड़े बजरी के ढेर में दबे हुए थे। उसने बजरी के ढेर को हटाया तो उसमें एक सीमेंट के टीले से दबा था, उसमें ये तार गए थे। इसके बाद लोगों ने समझने का प्रयास किया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई। सिरनाम सिंह के नाती की बर्थडे, जानकारी मिल रही है कि सिरनाम सिंह के नाती कुणाल उम्र 11 वर्ष पुत्र सानू राजावत का जन्मदिन बीते रोज से कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। जो उस चीज़ को देखने के लिए, मौका निरीक्षण करने के लिए BDDS टीम को सूचना दी गई। जो ग्वालियर से टीम आई है उनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। मौके के निरीक्षण के बाद उस चीज़ को उनने डिस्ट्रॉय किया गया है। वहाँ किसी की जनहानि नहीं हुई है। सर, किस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था उसको, काय में थी वो? और रेत के अंदर कोई सीमेंट की वस्तु रखी हुई थी, उन्होंने उसमें करंट दिया तो उसमें विस्फोट जैसा कुछ हुआ और डिस्ट्रॉय हो गया। गाड़ी MP08 गाड़ी का बताया गया सर, कोई गाड़ी आई थी उसमें, उसके द्वारा ये घटना। ये वहाँ पर खड़े हुए लोग या फरियादी बता रहे थे, रात में किसी से उनको सूचना मिली कोई गाड़ी आई है, उसके अभी पूरे नंबर नहीं मिल पाए और नंबरों का पता किया जा रहा है किस नंबर की गाड़ी थी। आसपास CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और टोल पे भी चेक किया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, इसके सैंपल ले लिए गए जो FSL सागर भेजे जाएंगे, उसके बाद ही। टीम को सूचना किसने दी? टीम जो ग्वालियर कंट्रोल रूम के माध्यम से टीम को सूचना दी गई थी, जैसे पुलिस को सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के माध्यम से BDDS ग्वालियर को सूचना दे दी गई थी, तत्काल यहाँ उपस्थित हो गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।